एरर्स एंड कम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला चीज तो समझ लो, हम लोग ये इक्वेशन हम लोग निकाल चुके थे कि एनर्जी मीटर में कैसे एनर्जी का मेजरमेंट होता है। तो एनर्जी का मेजरमेंट होता है हमारा नंबर ऑफ रोटेशन से। टोटल नंबर ऑफ रोटेशन कितना होगा वो इस रिलेशनशिप से मिलता है। ये इसका इंटीग्रेशन जो होगा टोटल नंबर ऑफ रोटेशन दे देगा, है ना। ठीक, और इसको तुम इंटीग्रेट करो, ये बेसिकली पावर है। जब इसको इंटीग्रेट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, ये तुम्हारा एनर्जी हो जाएगा, है ना। तो जब तुम इसको इंटीग्रेशन जब करोगे तो ये जो तुम्हारा जो टर्म है ना, ये तुम्हारा एनर्जी में बदल जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, समझे। सब लिंक मांग रहे हो। हाँ, कुछ कुछ बच्चा जो लोग है, देखो क्या बता रहे थे तू लोगों को, ये जो है, हाँ, एनर्जी का मेजरमेंट हम लोग करने थे। तो हाँ, ये बता रहे थे कि अगर ये एंगल जो है तुम्हारा 90 डिग्री रहता है, समझ गए, अगर ये 90 डिग्री रहता है तभी जाके तुम जो है ट्रू पावर मेजर कर पाओगे, है ना, ट्रू एनर्जी मेजर कर पाओगे, अदरवाइज तुम्हारा ट्रू एनर्जी मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। अब सवाल ये है कि हम लोग ये 90 डिग्री करें कैसे, आखिर एरर तो आ रहा है ना जी, है ना। देखो ये रिलेशनशिप हम लोग यहाँ से लेके आए, ठीक, ये जो हम लोग कल पढ़े थे वो यहाँ ये था, है ना। टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमको इस फॉर्मूला से मिलेगा, ठीक। अब टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए 90 डिग्री जब हम लोग कर देंगे तो तुम्हारा ये एक्चुअल मतलब तब तब जाके तुम्हारा ये ट्रू निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे यही 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 प्रॉब्लम है। अब सवाल ये, तो इससे एक एरर आया, तो उस एरर को हम लोग नाम क्या दे दिए, फेज एंगल एरर, ठीक है। एरर का नाम क्या दे दिए, फेज एंगल एरर। तो फेज एंगल एरर में क्या होगा, देखो इस इक्वेशन इसको इक्वेशन वन माने हैं, तो यहाँ लिखे इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन वन दैट मीटर विल इंडिकेट ट्रू एनर्जी ओनली इफ द फेज एंगल बिटवीन प्रेशर कॉइल फ्लक्स फाई पी एंड द सप्लाई वोल्टेज वी इज 90 डिग्री। फेजर डायग्राम तो हम लोग बनाए हुए थे, ये एंगल जो है तुम्हारा अगर 90 डिग्री होगा तभी जाके तुम्हारा क्या होगा, ये ट्रू ट्रू एनर्जी तुम्हारा मेजर कर पाएगा। इसका मतलब है इसके इसके लिए क्या, आप तुमको बताओ ये 90 डिग्री करने के लिए क्या था, ये एंगल बेसिकली था क्या, तुम्हारा प्रेशर कॉयल जो हम लोग एनर्जी मीटर में रहता था ना, उस प्रेशर कॉयल का इंडक्टेंस, मतलब प्रेशर कॉयल का समझो वो इंडक्टिव अगर है या नहीं है। अगर प्रेशर कॉयल तुम्हारा प्योरली इंडक्टिव है तो तुम्हारा ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है ना। डेट मीन्स कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा कि इस प्रेशर कॉयल को, एनर्जी मीटर के प्रेशर कॉयल को हाईली इंडक्टिव बनाना पड़ेगा। अब पहले से तो है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एडिशनल जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि वो और इंडक्टिव हो जाए, है ना। उसके लिए हम लोग कुछ करते हैं, कुछ हम लोग जुगाड़ करेंगे, वही जुगाड़ हम लोग को पढ़ना है कि क्या हम लोग जुगाड़ करते हैं ताकि वो हो जाता है, ठीक है। अब देखो दिस रिक्वायर्स दैट प्रेशर कॉइल वाइंडिंग शुड बी डिजाइन एज हाईली इंडक्टिव है, और इसका रेसिस्टेंस और आयरन लॉस सब मिनिमम हो, ठीक है। फिर भी अगर इतना भी कर दो ना डिजाइन से, तब भी तुम्हारा मतलब अगर तुम कंस्ट्रक्शन कर दोगे तो कितना भी कर लो उसमें रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ रह ही जाएगा, है कि नहीं जी। तो कितना भी वाइंडिंग कैसा भी कर लो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस तो उसका होगा ही, तो एग्जैक्टली 90 डिग्री तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तुमको अलग से कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो वही चीज लिख रहा है, सुटेबल एडजस्टमेंट्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड, समझ गए, सच दैट संट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग दिस मे टू लैग द सप्लाई वोल्टेज बाई एन एंगल 90 डिग्री, समझे। यानी कि हम लोग इस तरह से जुगाड़ करते हैं कि अल्टीमेटली जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है ना, जो शंट शंट कहने का मतलब प्रेशर कॉइल, समझ गए, वो जो है वो क्या करे, वो सप्लाई वोल्टेज को एग्जैक्टली 90 डिग्री से लैग करे। अब ये जुगाड़ कैसे होगा वही समझना है, समझ गए ना। तो एरर तुमको समझ में आ गया, एरर क्यों हो रहा है ये समझ में आ गया कि नहीं, बोलो सब बोलो। जी सर, यस सर, ना साक्षी, समझ में, प्रिंस सके रॉय राजीव, एरर क्यों हो रहा है ये समझ में आया, ठीक है। अब एरर को कैसे इलाज किया जाए वो हम लोग देखते हैं, इसका कंपनसेशन कैसे हो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है।
देखो, अब इलाज के लिए ना इसका दो तरीके का दवा यूज किया जाता है, समझे। जो पहला दवा है ठीक, उसको हम लोग ये बोलते हैं, ये नाम देते हैं। एक हम लोग क्या करते हैं, एक क्वाइल, शेडिंग क्वाइल लगाते हैं ठीक। देखो यहाँ पे फिगर देखो ध्यान से, ये फिगर तुम लोगों को जो दिख रहा है, देखो तुम्हारा ये प्रेशर क्वाइल पहले यहाँ पे था, देखो ये तुम्हारा प्रेशर क्वाइल था ठीक। अब हम क्या किए, इसमें यहाँ पे देखो ये शेडिंग क्वाइल लगाए, इसको क्या बोले, शेडिंग क्वाइल। और इस शेडिंग क्वाइल में क्या है, एक एडिशनल जो है तुम्हारा एडजस्टेबल रेसिस्टेंस लगा हुआ है, समझ गए। ये क्या लगा हुआ है, एडजस्टेबल रेसिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे, जिसको इस एरो के द्वारा दिखाया गया, समझ गए ना। यानी कि इस रेसिस्टेंस का वैल्यू तुम चेंज करके तुम एडजस्ट कर सकते हो। अब बताते हैं कैसे एडजस्ट होता है, वो हम तुम लोग को दिखाते हैं ठीक है। तो मान लेते हैं फिगर ए, फिर फिगर वन लेते हैं ठीक। फिगर वन शोज द अरेंजमेंट विद एडिशनल शेडिंग कॉइल विद एडजस्टेबल रेसिस्टेंस ठीक। देखो होता क्या है, तुम्हारा जो है यहां से समझो, सब समझने वाला चीज है थोड़ा थोड़ा, समझो। इसका जो फ्लक्स है इधर से ये लिंक किया, देखो मेन जो फ्लक्स जो जाएगा ठीक, वो फ्लक्स तुम्हारा इस कॉइल के साथ भी लिंक करेगा कि नहीं बताओ, है ना। ये जो तुम क्या करते हो, शुरुआत में तुम शुरू में इससे वोल्टेज देते हो ठीक, इस वोल्टेज की वजह से इस कॉइल में करंट गया, है ना। ये करंट क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से फ्लो होगा, है कि नहीं। एक वो कॉइल इधर भी रहता है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड इधर से भी होकर फ्लो करेगा। वो सर्किट हम लोग आधा उतना नहीं दिखाए हैं, समझ गए। सर्किट कितना दिखाया गया है, आधा ही दिखाया गया है ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड एक तुम्हारा यहाँ से फ्लो करेगा, वो डॉटेड लाइन से तुमको यहाँ पे दिखाया गया। अब होगा ये, है ना, अब ये होगा कि ये तो मैग्नेटिक फील्ड सारा तुम्हारा जो है अल्टरनेटिंग है ना, अल्टरनेटिंग है। तो ये क्या करेगा, इसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा ठीक। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा मिलेगा तो कहीं ना कहीं जहां भी क्वाइल उसको मिलेगा वहां ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा ना। तो यहाँ पे भी क्या करेगा, वो ईएमएफ इंड्यूस्ड कर दिया ठीक है। अब जब देखो तो वही चीज लिखा हुआ है कि मेन फ्लक्स क्रिएटेड बाय द सेंटर मैग्नेट इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन दिस शेडिंग कॉइल, समझे। सबसे पहले क्या होगा, मेन फ्लक्स जो है वो शेडिंग कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा ठीक। अब ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा, अब इसका अपना एक फ्लक्स होगा। देखो अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, अब इसमें तुम एक रेसिस्टेंस लगाए हो, समझ गए। अब इस रेसिस्टेंस का अपना एक फ्लक्स होगा या नहीं, ये बताओ। होगा ना, इस क्वाइल में एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ऐसा समझो। यहाँ से अब इसमें भी इस क्वाइल में एक अपना इसका करंट फ्लो होगा, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है तो करंट तो फ्लो होगा ही। अब क्योंकि सर्किट ऐसे भी देख रहा है, देख रहे हो क्लोज है, तो यहाँ पे अब एक करंट फ्लो होने लगा। अब उस करंट की वजह से उसका एक अपना फ्लक्स होगा, है ना। इसका जो है एक अपना फ्लक्स होगा, एक तो तुम्हारा इनिशियल फ्लक्स था ही, अब इसका भी एक अपना फ्लक्स हो गया ठीक। अब इसका जो फ्लक्स है, अब देखो उसका क्या इफेक्ट होता है। देखो अब देखो इन दोनों फ्लक्स का जो इफेक्ट होता है ना, देखो एक तो पुराना जो मेन फ्लक्स था, है ना, अब और दूसरा जो फ्लक्स हुआ शेडिंग कॉइल का फ्लक्स हो गया। अब ये दोनों फ्लक्स क्या करेगा, रिजल्ट इन मॉडिफाइड फ्लक्स ठीक। अब इससे क्या होगा, एक मॉडिफाइड फ्लक्स होगा जो पास करेगा एयर गैप टू लिंक द डिस्क एंड दस प्रोड्यूस ड्राइविंग टोर्क ठीक है। अब देखो अब इन दोनों के वजह से कंबाइंड फ्लक्स होगा। अब वो जो फ्लक्स होगा ठीक, इसके इस फ्लक्स का वैल्यू जो है हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं इस रेसिस्टेंस के थ्रू, है ना। उस फ्लक्स का जो वैल्यू प्रोड्यूस हुआ उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं इस रेसिस्टेंस के थ्रू। अब वो जो फ्लक्स होगा विथ प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ द सेटिंग कॉइल रेसिस्टेंस, रिजल्टेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली 90 डिग्री से लैगिंग बना सकते हैं ठीक है। एग्जैक्टली 90 डिग्री से लैगिंग बना सकते हैं ठीक है। अब देखो अब ऐसे समझो, तुम लोग फेजर डायग्राम से समझो। फेजर डायग्राम जब हम लोग बनाए थे, फेजर डायग्राम में हम लोग कुछ ऐसे बनाए थे, जो था कुछ ऐसे था, यहाँ पे वोल्टेज था, है ना। इसके बाद क्या वोल्टेज के पास से करंट जो दी, आईपी का होगा, आईपी हम लोग बनाने के लेकिन आवाज साहब सही नहीं आ रहा है। डायग्राम प्राइमरी करंट होगा, ये है इन दोनों के बीच में एंगल,
हम चाहते हैं कि 90 डिग्री हो, लेकिन है नहीं, कुछ कम है ना। ये डेल्टा एंगल 90 डिग्री से ऑब्वियसली ये कम है, ये दिख रहा है ना। हमारा टारगेट क्या है कि इसी के एंगल को 90 डिग्री बनाना, समझ गए। तो देखो हम लोग कैसे बना रहे हैं, अभी तुम लोग को दिख रहा है। देखो फिगर दिखा ना, ये करंट जो है ना, देखो ये जो करंट है वो क्या है, अभी इससे लैग कर रहा है, लेकिन 90 डिग्री पे लैग नहीं कर रहा। हमको इसको क्या करना है, 90 डिग्री पे लैग बनाना है, समझ गए। तो अब देखो हमको मेन पर्पस, हमारा काम इस करंट को नहीं है, इस करंट की वजह से एक फ्लक्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइव पी, है ना। हमको मेन एंगल किसके देखना पड़ता है, इस वोल्टेज और फाइव पी एंगल के बीच में, जो ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। इस एंगल को हमको 90 डिग्री रहता तो मेरा काम बन जाता, ठीक है। तो इसको अब एंगल 90 डिग्री करने के लिए क्या बोले कि एक आपका एक करंट हो गया आपका किसमें, इस शेडिंग कॉइल में एक करंट आया, ठीक। अब ये शेडिंग कॉइल का करंट एक अपना एक फ्लक्स क्रिएट करेगा, ठीक है। शेडिंग कॉइल का जो करंट होगा वो अपना एक फ्लक्स क्रिएट करेगा, जो दोनों तब जाएंगे, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो होगा ना वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा। जैसे देख लो ऐसा, मतलब तुम्हारा क्या होगा, इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट का जो फ्लक्स होगा ना वो क्या करेगा, समझे। ये मान लेते हैं कि ये 5p डैश है, समझे, नया वाला न्यू फ्लक्स है। तो ये फ्लक्स जो हो जाएगा ना नया वाला, वो 90 डिग्री से लैग करने लगेगा, ठीक। अब तुम सोचोगे सर ये यहाँ से यहाँ मतलब नया वाला कैसे हो गया, तो नया वाला के लिए तुम्हारा क्या हो, शेडिंग कॉयल का फ्लक्स जो है वो कुछ ना कुछ एडजस्ट हो गया। ये जो शेडिंग कॉयल का फ्लक्स है ना, हम लोग यहाँ से ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। शेडिंग कॉयल के फ्लक्स को हम लोग क्या दिए हैं, ऐसे दिखाए हुए हैं, ठीक। अब तुम ये सोच सकते हो कि सर ये इसका, अब तुम देखो पूछने वाला ये भी पूछ सकता है, सर आप इसको ऐसे ऊपर से नीचे क्यों दिखाएं, बता सकते हो तुम लोग। देखो कुछ बोलो, समझ गए, तो उसी समझ में आएगा तुम लोग कितना समझ रहे हो, हमको कितना और लेवल बताना है, समझ गए ना। तुम लोग कुछ बोलोगे नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा कि तुम लोग कितना समझ रहे हो और हमको कितना और लेवल पे बताना है। बता दो साक्षी क्या क्या समझी। और नहीं बोलेगी, हाँ बता। बाकी राजीव, प्रिंस, सूरज, बता। अरे तुम जो समझे वो तो बताओ, ये वाला समझ में आया सर, लैग कर रहा है सर। देखो सर, हम क्या बोले ना, देखो हम ये बोल रहे हैं कि हमको ये 5p पहले से था, है ना, इस पोजीशन पे, ठीक। 5p पहले से था इस पोजीशन पे, है ना। हमको नया वाला 5p यहाँ पे चाहिए, हमारा रिक्वायरमेंट है ये, है ना। नया वाला 5p हमको यहाँ पे चाहिए। अब यहाँ पे चाहिए, चाहने के लिए जो तुम्हारा, हम अब हमको क्या करना पड़ेगा ना, इसमें एक लगाए हैं जो जुगाड़, वो जुगाड़ तुम्हारा इसी तरह का रहेगा तभी जाके मेरा काम बनेगा, समझ गए। मेरा जुगाड़ को इसी तरह से रहना चाहिए तभी जाके मेरा काम बनेगा, ऐसे समझो। सारा जो फ्लक्स है वो सब फेजर का खेल है ना। देखो तो तुम लोग हो कि नहीं यार, एक प्रिंस, राजीव, साक्षी, तुम लोग हो कि नहीं खेल रहे हो। हाँ सब हो ना, ठीक है। नहीं तो हम ज्यादा डिटेल समझाएंगे, तुम लोग समझोगे नहीं तो हमको कोई बेनिफिट नहीं है, हम तो खाली ऐसे ही बता के नहीं निकल जाएंगे शॉर्टकट में, समझ गए। तो ये तुम्हारा 5p था, समझ गए। हमको कहाँ लेके आना है इसको, इस 5p को यहाँ 5p डैश 90 डिग्री पे लेके आना है। तो इस 90 डिग्री को लेके आने के लिए क्या किया सकता है, देखो इसमें हम लोग को एक एक्स्ट्रा फेजर, हमको एक मतलब एक शेडिंग कॉइल का एक फेजर ऐड होगा इसमें। तो वो शेडिंग कॉइल का फेजर किस तरह से रहना चाहिए, समझे। अब शेडिंग कॉइल का फेजर जो है, अगर हम शेडिंग कॉइल का रिक्वायरमेंट हमारा यही है ना कि शेडिंग कॉइल का फेजर जो है इस तरह से हो, समझे। इसको हम लोग फाई एस एच बोलेंगे, शेडिंग कॉइल का। अब ये फाइल, ये जो शेडिंग कॉइल का जो प्रेशर, ये जो फेजर है, ये ऐसे आने के लिए इस शेडिंग कॉइल में जो करंट है वो भी ऐसे ही आना चाहिए, इसी तरह ऐसे ही समझे। आप इसको कैसे बोलेंगे, फाइंड करेंगे, इसके लिए पहले तुमको वोल्टेज फाइंड करना पड़ेगा, इसके द्वारा जो शेडिंग कॉइल में जो इसके 90 डिग्री बने, शेडिंग कॉइल का जो वोल्टेज होगा वो 90 डिग्री, इसको सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सबको आ रहा है कि नहीं, कट रहा है साउंड सर।
तो क्या बोले हम, क्या बोले कि सबसे पहले जो मेन फ्लक्स के वजह से शेडिंग कॉइल में की, तुम लोग क्या बोले कि हमको क्या करना है इस फ्लक्स को 90 डिग्री पे लैगिंग दिखाना है, ठीक। और उसके लिए क्या बोले, हमने एक शेडिंग कॉइल लगाया। शेडिंग कॉइल में क्या होगा, मेन फ्लक्स आएगा, शेडिंग कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करेगा, है ना। तो वो ईएमएफ कहीं ना कहीं उसका फेजर में हमको दिखाना पड़ेगा। वो ईएमएफ का लोकेशन यहाँ होगा। वो कैसे ईएमएफ निकलता है, हम तुमको बोले थे फ्लक्स के द्वारा जो डेवलप्ड ईएमएफ होता है, वो फ्लक्स वो कितने एंगल से 90 डिग्री से लैग करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम तुमको दिखाते हैं, शुरुआत में हम तुम लोग को ये चीज बताए हुए हैं, उसको हम तुम लोग को दिखा देते हैं, तो कि तुम लोग को देखो ये जो यहाँ यहाँ पे देखो बोले हुए हैं ना, जो फ्लक्स जो होता है, जो ईएमएफ होगा वो लैग कर आईपी को बाय 90 डिग्री से ईएमएफ को लैग करेगा। इसीलिए ना लोग यहाँ पे एक इधर वाला एक 90 डिग्री से लैग करता हुआ दिखाए थे, है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो ईएमएफ एडी करंट जो एडी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ना जी, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, वो भी क्या करेगा, वो 90 डिग्री से लैग करेगा। तो ये 90 डिग्री से लैग इसको करेगा फाइव पी को, तो फाइव पी तुम्हारा यहाँ है, इस 90 डिग्री लैग किया ये, है ना। तो इसका वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब इसके पीछे जो है हमको क्या करना है, इससे हमको इस हमको क्या चाहिए ना, ये फाइव एस एस का जो मतलब करंट का डायरेक्शन हमको ऐसा चाहिए। देखो इसी का एक जस्ट पैरेलल, ये जिधर है ना वैसा ही इधर से पैरेलल हमको चाहिए, जस्ट इसके पैरेलल, यानी कि मेरा करंट का डायरेक्शन जो आई एस एच है वो इधर रहना चाहिए, तभी जाके ना इसमें फ्लक्स आएगा। इसका जो फ्लक्स होगा इसी के साथ इन फेज रहेगा, ये फाइ एस एच हो जाएगा, समझ गए। तो इस करंट को कंट्रोल कहाँ से करेंगे, इस रेसिस्टेंस। देखो बात समझो सीधा सीधी, इसका ये एंगल, इतना एंगल मेंटेन करने के लिए ना हम इस रेसिस्टेंस को अगर एडजस्ट करेंगे, तुम लोग जानते हो ये एंगल क्या होता है, एंगल होता है मतलब टेन इनवर्स ओमेगा एल बटा आर होता है। इसका रेसिस्टेंस अगर हम लोग बढ़ाएंगे घटाएंगे तो इसका एंगल चेंज होगा ना, है ना। तो उसका एंगल चेंज होगा तो ये तुम्हारा फ्लक्स का पोजीशन भी चेंज हो जाएगा, समझ गए। क्लियर हुआ बात तुम लोगों को, तो अल्टीमेटली तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा ये एंगल दोनों का जो रिजल्टेंट एंगल होगा ना, वो रिजल्टेंट एंगल 90 डिग्री पे आ जाएगा। तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट फ्लक्स हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट फ्लक्स, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है, शेडिंग कॉइल विद एडजस्टेबल रेसिस्टेंस इसी तरह से काम करता है। अब ठीक है ना, तो इसमें इतना ही बता देना है, ठीक। चलो इसके बाद से अगला देखते हैं, दूसरा जुगाड़। एक तो ये था आप एडजस्टेबल रेसिस्टेंस के साथ लगा दिए, है ना। इसके अलावा एक और जुगाड़ होता है, वो जुगाड़ हम लोग देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं, जो दूसरा जुगाड़ जो होता है बोलते कॉपर शेडिंग बैंड्स, ठीक। इसमें हम लोग एडजस्टेबल रेसिस्टेंस नहीं लगाते हैं, कॉपर शेडिंग बैंड लगाते हैं। देखो इसका क्या कैसे आएगा फिगर, देख लो। Shading bands, ये रहा shading bands, डायग्राम नहीं बनाने का जुगाड़ है, समझे। हालांकि ये बहुत इजी है डायग्राम, कुछ खास बड़ा डायग्राम है नहीं। देखो इसमें क्या किया गया, यहाँ पे एक शेडिंग बैंड लगा दिया। देखो इसमें कोई अलग से रेसिस्टेंस नहीं है और ये कोई वायर नहीं रहता है, मतलब बैंड होता है समझो, मतलब कॉपर का
कैसे अंगूठी होता है ना, अंगूठी टाइप का चीज इसमें क्या करते हैं, लगा देते हैं, समझ गए ना। तो उसको हम लोग शेडिंग बैंड बोलते हैं, उसको कॉपर शेडिंग बैंड बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसको क्या किया जाता है ना, इसको हम लोग ऊपर नीचे, देखो इस शेडिंग बैंड को ऊपर करेंगे नीचे करेंगे, इससे तुम्हारा क्या होगा ना, इसका जो है ना इस पाथ का, देखो ये भी तुम्हारा क्या है, कॉपर का जो मटेरियल है ना, इसके ऊपर नीचे करने की वजह से क्या होता है, इसका जो है फ्लक्स का जो वैल्यू है ना वो एडजस्ट होता है, समझे, फ्लक्स का जो वैल्यू है वो एडजस्ट होता है, और उसका मतलब समझो रिलक्टेंस जो है ओवरऑल सर्किट का फ्लक्स का वो चेंज होता है, ठीक। और इसके वजह से वो क्या करता है कि ओवरऑल जो जो तुम्हारा होता है ना टेंजर, उसको तुम्हारा मतलब वो 90 डिग्री पे करने की कोशिश करता है। तो देखो इसमें देखो एडजस्टमेंट, इस केस में जो एडजस्टमेंट कैन बी डन बाय मूविंग शेडिंग बैंड्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द लिंब, इसको हम लोग अप डाउन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसको अप डाउन करके हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखो जैसे ही हम लोग ऊपर करेंगे इसको, है ना, दे इम्ब्रेस मोर फ्लक्स, इसमें जैसे ही ऊपर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स इस शेडिंग बैंक को लीक करेगा। देखो इधर इधर ये सारा फ्लक्स है कि नहीं है सर, इसमें इधर ज्यादा फ्लक्स है, अगर ज्यादा नीचे रहेगा तो कम फ्लक्स लिंक करेगा, ज्यादा ऊपर रहेगा तो इससे ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा, ठीक। इससे क्या होगा, ज्यादा जब फ्लक्स लिंक करेगा, इम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, समझे ना, यहाँ इम्ब्रेस जो लिखा हुआ है ना, इम्ब्रेस मोर फ्लक्स मतलब उससे फ्लक्स जो है वो ज्यादा लिंक करेगा। This results in increased value of induced EMF. अब जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उतना ज्यादा EMF होगा, ये तो तुम जानते हो, क्योंकि d phi by dt होता है EMF, है ना, तो जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, ये क्या आएगा, ये तुम्हारा induced EMF होगा, और induced EMF की वजह से क्या होगा, एडी करेंट तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक, और उसके वजह से तुम्हारा EMF produced by, देखो इससे वजह से तुम्हारा शेडिंग करंट, ये शेडिंग कॉइल की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूसर है वो भी ज्यादा होगा। लोग रुक जाओ, घबराओ नहीं, समझ गए। तो तुम वो कहानी बार बार बताना, देखो सीधा सीधी फंडा दिमाग में क्या डालना है ना, यहाँ पे एक शेडिंग बैंड जो डाले हैं, इसको अपवर्ड करेंगे डाउनवर्ड करेंगे तो इसका जो ईएमएफ जो है ना, इसका जो एमएमएफ होगा वो अल्टीमेटली चेंज करेगा। इसका एमएमएफ कैसे चेंज होता है, एमएमएफ जो चेंज होता है वो पहले इससे ज्यादा अगर तुम करोगे तो इसमें फ्लक्स होगा, फिर इस शेडिंग बैंड के अंदर में भी ईडी करेंट होगा, है ना, इसके वजह से इसका अपना फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स क्या करेगा, मेन फ्लक्स को 90 डिग्री पे ले आएगा, जस्ट इसके जैसा। इसमें कैसे एक करंट फ्लो हो रहा था, तो ये क्वाइल था, इसमें करंट एक फ्लो हो रहा था, तो उसको लेकिन हम उस करंट को कंट्रोल कर पा रहे थे रेसिस्टेंस के थ्रू। यहाँ पे भी वही होता है, एकदम सिमिलर कहानी है, बस फर्क यही है कि इसमें जो है आप इसको ऊपर नीचे कीजिएगा तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, तो फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ चेंज होगा, ईएमएफ चेंज होगा तो इसी में जो करंट प्रोड्यूस होगा ना, इसी में एडी करंट प्रोड्यूस होता है, समझे, तो वो एडी करंट क्या करेगा, उसका अपना फ्लक्स होगा, तो वो फ्लक्स क्या होगा, अल्टीमेटली उस फ्लक्स को ऐसे ही सिमिलर जैसे इसका फेजर डायग्राम है ना, वैसे ही इसका भी फेजर डायग्राम होगा, अल्टीमेटली उसको क्या करेगा, 90 डिग्री पे लाने की कोशिश करेगा। अब 90 डिग्री नहीं आया है तो आप उसको एडजस्ट कीजिए, एरर देखिए कितना आ रहा है, समझे, तो वो एडजस्ट करके ये काम चल जाता है, समझ गए। तो ये चीज किया, वही चीज कहा गया, करंट जो है करंट आप एडजस्ट करके एमएमएफ एडजस्ट कर सकते हैं, और एमएमएफ एडजस्ट करने का क्या मतलब है, अल्टीमेटली वो फ्लक्स को एडजस्ट कर लेता है, ठीक, क्लियर हुआ तुम लोगों को ये दो पॉइंट। अब एक्चुअली ये सबसे हमको नहीं लगता है कि तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन ये सबसे पूछेगा, ये सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, समझे, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं ना इसका ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स याद रखते हैं, समझ गए। चलो आगे देखते हैं और क्या क्या एरर होता है। देखो फ्रिक्शन की वजह से कुछ एरर होता है, एरर ड्यू टू फ्रिक्शन एट लाइट लोड, ठीक। अब सवाल यह है कि ये फ्रिक्शन की वजह से एरर होता कैसे है ना, तो देखो बात समझो, तुम्हारा जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है अगर उसका जो टॉर्क है, समझ रहे हो ना, अगर तुम्हारा टॉर्क कम है तो तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स के कारण तुम्हारा क्या होगा, मूवमेंट कम होगा, है ना, फ्रिक्शन लगेगा ना जी, तुम्हारा मूवमेंट उसके वजह से कम होगा। तो अगर देखो क्या होता है कि तुम्हारे घर में अगर लोड कम है तो करंट कम होगा, है कि नहीं, तो करंट कम होगा तो तुम्हारा वो पावर एनर्जी सब कम ड्रॉ करेगा, तो जब एनर्जी जब कम ड्रॉ करेगा
तो उससे तुम्हारा क्या होगा कि तुम्हारा अब जो तुम्हारा मीटर है वो एनर्जी के हिसाब से अपना रोटेशन कर रहा है ना। तो जब एनर्जी के वजह से तुम्हारा रोटेशन कर रहा है, तो जब एनर्जी कम है तो यानी एनर्जी कहने का मतलब लोड कम है, अगर लोड कम है तो तुम्हारा डिफ्लेक्शन टॉर्क भी कम होगा। तो तुम्हारा जब मोशन ही ज्यादा नहीं है तो तुमको अपोजिशन ज्यादा मिलेगा ना जी, समझ रहे हो, तुम्हारा फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा उस केस में। अगर तुम्हारा स्पीड ज्यादा है तो तुम्हारा छोटा मोटा फ्रिक्शन तुमको कुछ नहीं कर सकता, समझ गए। इस केस में तुम्हारा क्या है कि लोड कम है तो जाके ये ज्यादा मतलब असर डालता है, अगर लोड ज्यादा है तो ये असर उतना नहीं डालेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से दिक्कत आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यही चीज को लिखा है, दिस विल इम्पेड प्रॉपर इनपुट। इम्पेड का क्या मतलब होता है, मतलब ऑब्स्ट्रक्ट। इम्पेड का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट, मतलब रोकना, समझे। तो ये क्या करेगा कि मूवमेंट होने से सही से रोकेगा, मतलब फ्रिक्शन की वजह से तुम्हारा क्या होगा, वो तुम्हारे मूवमेंट को रोकेगा फ्रिक्शन, ऑब्वियसली। अब इसको क्या होगा, लो लोड पे ये ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल है, लो लोड पे क्या है ऑब्जेक्शनेबल, मतलब हाई लोड पे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब लोड करंट कम होगा तो तुम्हारा टॉर्क कम होगा, इसलिए तुम्हारा ये क्या कर सकता है, डिस्क को इवन स्टॉप रोक भी सकता है। लो लोड पे ये इशू आता है, समझ गए, फ्रिक्शन लोड की वजह से तुम्हारा, फ्रिक्शन की वजह से तुम्हारा जो एरर आता है वो लो लोड पे आता है, ठीक। अब इसी का हम लोग जुगाड़ करते हैं कि कैसे हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं जी सर। ओके, ये तो हम लोग कैसे कर दिए, तो अब इसको क्या कर किया जाता है, इसको अवॉइड करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, नेसेसरी टू प्रोवाइड एडिशनल टॉर्क दैट इज एसेंशियल टू एसेंशियली इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड, समझ गए। इसके लिए मतलब हमको कुछ एडिशनल टॉर्क देना पड़ेगा, मतलब मान लो तुम्हारा मोशन स्लो है और उसके वजह से अपोजिशन हो रहा है, तो तुम तो चाहोगे कि तुम एडिशनल इसको टॉर्क दे दो ताकि तुम्हारा जो फ्रिक्शन का एरर है वो कम हो जाए, है कि नहीं। तो एडिशनल, अब हम लोगों को एडिशनल टॉर्क देना पड़ेगा और वो टॉर्क जो है लोड के वैल्यू पे डिपेंड ना करे, लोड कम है ज्यादा है उससे वैल्यू ना है, है ना। तो हम लोग क्या किए, एडिशनल टॉर्क देंगे। अब कैसे देंगे वो देखो, ठीक है, टू बी अप्लाइड इन डायरेक्शन ऑफ ड्राइविंग टॉर्क, समझ गए, यानी कि तुमको एडिशनल टॉर्क देना है और वो भी किस में, जिधर मोशन हो रहा था उसी डायरेक्शन में, तभी ना भाई फ्रिक्शन को अपोज कर पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक, दिस इज अचीव्ड। अब देखो इसको कैसे अचीव किया जाता है, दिस इज अचीव्ड बाय मींस ऑफ अ स्मॉल वेन और शेडिंग लूप प्लेस्ड, समझे। अब ये देखो ये जरूरी है, स्मॉल वेन और शेडिंग लूप, यहाँ पे ये टर्म दिमाग में रखना है, शेडिंग लूप कहे या स्मॉल वेन कहे, इसको हम लोग ये एक प्रोवाइड करते हैं, ठीक। अब ये कैसे करता है देखो, इसके लिए हम लोग को फिगर बनाना पड़ेगा, ये कहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं वहां से तुम लोग क्लियर हो जाएगा। देखो हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे एक वेन, वेन समझते हो क्या होता है, एक पतला सा मेटल का प्लेट होता है, समझो, बहुत समझे, वेन मतलब पतला सा मेटल का प्लेट जो रहेगा ना, कागज के जैसे टाइप का रहेगा, समझे, जैसे मेरा हाथ लगे इस तरह, इस टाइप का वो वेन रहता है। इसको हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। अब देखो इससे होगा क्या, है ना, अब इससे होगा क्या, तो देखो इससे ये एडिशनल टॉर्क कैसे प्रोड्यूस करेगा वो समझना है हम लोगों को, है कि नहीं। ये तुम्हारा वेन हो गया, ठीक है, फ्रिक्शन कंपनसेटिंग वेन हो गया। अब ये कैसे तुम्हारा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो हम लोगों को समझना है।
देखो यहाँ पे ये जो हम लोग नया जो लगाए हैं ना, अब इसके वजह से देखो फ्लक्स का क्या कंडीशन हुआ है। यहाँ देखो शेडिंग बैंड ऑलरेडी पहले हम लोग प्रोवाइड किए हुए हैं, है ना, शेडिंग बैंड हम लोग प्रोवाइड किए हैं फेज एंगल एरर को कम्प्लीट खत्म करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्लक्स जो है इसका डायरेक्शन समझो, इस फ्लक्स का डायरेक्शन समझो इस तरह से, यहाँ पे फ्लक्स एक इधर गया है, एक यहाँ पे फ्लक्स इधर गया है, ठीक है, ये दो फ्लक्स है ना। अब देखो अब ये जो जो तुम्हारा ये जो डिस्क है, समझ गए ना, अब ये जो डिस्क है ठीक, अब इसमें से कुछ फ्लक्स जो है, देखो ध्यान से देखना, कुछ फ्लक्स जो है तुम्हारा शेडिंग बैंड के साथ लिंक नहीं कर रहा, समझ गए, कुछ फ्लक्स जो है शेडिंग बैंड के साथ लिंक नहीं कर रहा और कुछ फ्लक्स शेडिंग बैंड के साथ लिंक कर रहा है, समझ गए। तो अब देखो अब होगा क्या, इसी फ्लक्स के वजह से देखो कुछ लिंक कर रहा है कुछ नहीं लिंक कर रहा है, और इसके वजह से क्या होगा, इसमें जो है जो डिस्क यहाँ जो है ना, यहाँ पे अल्टीमेटली तुम्हारा क्या होगा, देखो क्या होता है, जो मेन फ्लक्स का कुछ फ्लक्स इससे लिंक करता है, ऐसा समझो हम लोग को किस तरह से समझाया जाए ताकि आसानी से समझ सको। देखो क्या होगा ना, इसका देखो ये जो मेन फ्लक्स था उसका ज्यादा पोर्शन क्या होता था, इस शेडिंग कॉइल से जो जाएगा वो कंपनसेशन, शेडिंग कॉइल क्या करता था, थोड़ा से फ्लक्स के वैल्यू को तुम समझो ना, वो थोड़ा घटा देता है अल्टीमेटली, ये थोड़ा उसको जो घटा रहा है था पहले, तो फ्लक्स जब घट गया तो थोड़ा टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वो भी तो घट जाएगा। हम क्या किए यहाँ पे जो रिंग लगाए ना वो कुछ, ये जो एक्स्ट्रा जो ये जो फ्लक्स है ना ये भी डिस्क के साथ लिंक कर रहा है, लेकिन इसका कंपनसेशन इसके साथ नहीं हो रहा है इसके वजह से, है ना। तो ये जो अलग वाला जो फ्लक्स है ना, ये एडिशनल टॉर्क, यही जो फ्लक्स जो है एडिशनल टॉर्क प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, समझ गए। इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग उतना लिखेंगे नहीं, सीधा सीधी जानेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, एक शेडिंग लूप डाल देते हैं यहाँ पे, समझे, ये शेडिंग लूप जो है वो हेल्प करता है क्या करने में, वो मतलब एडिशनल टॉर्क प्रोवाइड करने में, उसका ज्यादा डिस्क्रिप्शन हम लोग नहीं देते हैं, समझ गए, ठीक है। तो ये था फ्रिक्शन एरर के लिए, तो फ्रिक्शन एरर के वजह से, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली एक चीज है कि हमने इसको दूर करने के लिए एडिशनल टॉर्क दिया है कि नहीं, तुम क्या किए, इसको दूर करने के लिए एडिशनल टॉर्क कर दिया, लेकिन अब इसी की वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम हो, समझे, एक नया टाइप का एरर क्रिएट हो जाएगा जिसको कहते हैं क्रीपिंग एरर, जिसके बारे में कोई कुछ लिखा भी था, मतलब कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी था, और काफी इंपॉर्टेंट है वो क्रीपिंग एरर, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके वजह से देखो क्या हो गया, तुम क्या किए, फ्रिक्शन एरर को अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा टॉर्क तुम जुगाड़ करके बढ़ा दिए, है ना। तो अगर मान लो लोड नो लोड, अगर मान लो नो लोड है तो लो लोड था, मान लो कम लोड था, तब तो तुम्हारा ठीक है, ये फ्रिक्शन को अपोज कर रहा है। अब मान लो कि तुम्हारे पास अभी लोड नहीं है लेकिन फिर भी ये टॉर्क जो है, मतलब लोड एकदम ना के बराबर है, थोड़ा सा है ठीक, फिर भी ये तुम्हारा क्या करेगा, ये तो एडिशनल टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है ना जी। अब इस एडिशनल टॉर्क की वजह से क्या होगा ना, कि तुम्हारा जो डिस्क है बिना तुम्हारा लोड करंट के भी थोड़ा थोड़ा घूमेगा, समझ गए, बिना लोड करंट के भी थोड़ा थोड़ा घूमेगा, है ना। अब इसी को जो भी मतलब कम लोड पे जो है या फिर नो लोड पे जो एल्युमिनियम डिस्क घूमने लगता है, कम लोड पे है तो तुम्हारा थोड़ा ज्यादा घूमेगा, समझ गए, और ये जो घूमने लगता है ना, मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं क्रीपिंग एरर। तो धीरे 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 घूम रहा है और तुम्हारा मीटर का वैल्यू बढ़ रहा है, समझ गए, ये तो समस्या है ना जी, ठीक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रीपिंग एरर। तो अब हम लोग को क्रीपिंग एरर पढ़ना है डिटेल, कि क्रीपिंग एरर है क्या, ठीक है। क्रीपिंग एरर देखते हैं कि क्रीपिंग एरर क्या है। देखो देखो क्रीपिंग एरर जब भी पूछेगा तो इसके बारे में यही बताना है कि कुछ मीटर्स जो होते हैं, कुछ मीटर में स्लो, देखो क्या करते हैं हम लोग, एब्जॉर्ब होता है, स्लो बट कंटिन्यूअस रोटेशन, समझे,
क्रीपिंग एरर में होता यही है कि मतलब बहुत धीरे धीरे लेकिन कंटिन्यू क्या करेगा, वो रोटेट करते रहेगा, समझे, इवन वेन देर इज नो करेंट फ्लोइंग थ्रू द करेंट कॉइल, समझ गए, इवन में तुम्हारा जो लोड में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, समझ गए ना, तुम्हारा लोड करंट में करंट कॉइल में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तब भी तुम्हारा क्या होगा, मतलब ये तुम्हारा धीरे धीरे रोटेशन होगा, और तुम्हारा करंट क्या है, मतलब तुम्हारा देखो करंट कॉइल में कोई करंट नहीं है, प्रेशर कॉइल में करंट है, तब जाके तुम्हारा ये क्या होगा, क्रीपिंग एरर होगा, बात समझो, यहाँ पे देखो एक करंट कॉइल होता है, ये होता है ना करंट कॉइल, है ना, ये क्या होता है, लोड के साथ सीरीज में होता है ना, यहाँ पे मान लो लोड रहता है इसके साथ, ये सीरीज में रहता है, तो लोड में अभी अभी तुम कोई लोड नहीं दिए, तो लोड में कोई करंट नहीं गया, है ना, अगर लोड में तुम करंट नहीं दिए फिर भी तुम्हारा क्या होगा, फिर भी तुम्हारा कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा इसको, और कुछ ना कुछ ये रोटेट करा देगा इसको, समझे, फिर भी क्या करेगा, ये इसको रोटेट करा देगा, अब इसके वजह से तुम्हारा क्या होगा, इश्यू क्रिएट हो गया, इसको हम लोग क्रीपिंग एरर कहें, तो क्रीपर क्रीपिंग एरर का क्या 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 रीजन है, लोग लिखेंगे, तो क्रीपिंग एरर्स के क्या क्या कॉजेज होते हैं ना, पहला हम लोग लिख सकते हैं हम लोग क्या कर रहे थे, फ्रिक्शन का कंपनसेशन कर रहे थे, है कि नहीं जी, फ्रिक्शन का कंपनसेशन कर रहे थे, लेकिन फ्रिक्शन कंपनसेट तो हुआ नहीं, है कि ना, तो फ्रिक्शन जब कंपनसेशन नहीं हुआ तो हम लोग क्या हो गया, और समझो उस कंपनसेशन के वजह से उस कंपनसेशन के वजह से क्या होगा, मतलब तुम्हारा एरर क्रिएट हो गया, पहला चीज तो ये है, इसके अलावा वाइब्रेशन के वजह से, वाइब्रेशन के वजह से क्या हो सकता है कि एडिशनल टॉर्क प्रोड्यूस होता है, देखो क्रीपिंग कब हो रहा है, देखो रोटेट कर रहा है हल्का हल्का, तो वो किसी भी रीजन से अगर वो रोटेट कर रहा है थोड़ा थोड़ा, तब क्रीपिंग कहलाएगा, तो एक तो तरीका भी हम लोग पढ़ लिए, जो हम लोग फ्रिक्शन का कंपनसेशन किए ना, है ना, तो ओवर फ्रिक्शन कंपनसेशन हो गया, है ना, तुम फ्रिक्शन का जितना कंपनसेशन चाहिए था उससे ज्यादा तुम कंपनसेट कर दिए मान लो, उसके वजह से वो रोटेट कर रहा है, एक तो रीजन ये होगा, इसके अलावा और भी रीजन हो सकता है तुम्हारा वाइब्रेशन की वजह से, तो दूसरा रीजन तुम्हारा वाइब्रेशन भी आता है, लेकिन यही मेन रीजन है फ्रिक्शन के लिए के वजह से जो तुम कंपनसेट किए हो, वही मेन रीजन है, इसके अलावा और भी रीजंस है, वो है जैसे वाइब्रेशन, समझे, वाइब्रेशन हो गया, और भी कुछ कुछ होता है, एक और क्या होता है, देखो एक्सेसिव वोल्टेज, और क्या है, एक्सेसिव वोल्टेज वाइब्रेशन हो गया, वोल्टेज चौथा तुम्हारा हो गया स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया प्राइम रीजन, समझे, ये यही तुम्हारा जो ओवर फ्रिक्शन कंपनसेशन है, ये यही मुख्य कारण है क्रीपिंग का, इसके अलावा जो बाकी जो है ना उसके वजह से भी तुम्हारा क्रीपिंग एरर हो सकता है, ठीक है, अब देखो क्रीपिंग एरर तो हो गया, अब भैया अब इसको हम अवॉइड कैसे करेंगे, है ना, तो हमको क्या करना है, देखो क्रीपिंग एरर हो गया है तो क्रीपिंग एरर को हमको अवॉइड करने का क्या तरीका है भाई, तो तरीका यही है कि आपको रोटेशन को रोकना है कि नहीं, रोटेशन ज्यादा हो रहा है ना जी, तो रोटेशन को रोकने का तरीका क्या है कि हम लोग क्या करते हैं ना, जो डिस्क है, जो डिस्क जो है घूम रहा था ना, उसके बीच में दो होल कर देते हैं, ठीक है, वो दो को जो होल होता है ना, ठीक है, अब क्या होगा ना, उस होल के वजह से ना एडी करंट का जो पाथ है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जो पहले जैसे एडी करंट घूम रहा था ना, वो दोनों में क्या होगा, एडी करंट का पाथ डिस्टर्ब करेगा, और डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होगा, दोनों होल में वो टॉर्क ऐसा होगा ना क्रिएट कि उसके अपोजिशन का वो मतलब मूवमेंट को रोकेगा, समझे, तो देखो वही चीज है, क्रीपिंग कैन बी अवॉइडेड बाय ड्रिलिंग टू होल्स, एल्युमिनियम डिस्क जो है ना इसको डायमेट्रिकली अपोजिट लोकेशन, मतलब
एक को ही साइड कर रहे हैं तो दूसरे को ही साइड अपोजिशन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे ठीक। ड्रिलिंग हो सच होल्स विल डिस्टोर्ट एडी करंट, देखो एडी करंट पाथ को वो क्या करेगा डिस्टर्ब करेगा और उसके वजह से क्या होगा अल्टीमेटली तुम्हारा समझो ना अल्टीमेटली वो क्या होगा कि तुम्हारा पाथ को डिस्टर्ब करेगा टॉर्क को वो डिस्टर्ब करेगा अल्टीमेटली वो तुम्हारा वो मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेगा। एक तो ये तरीका था, एक दूसरा तरीका भी है। एक तो ये तरीका है आप होल करके काम चला लीजिए, दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका है ये जो ब्रेक मैग्नेट हम लगाए थे ना, एक हम लोग ब्रेकिंग मैग्नेट यूज करते हैं ठीक है, तो उस ब्रेक मैग्नेट के जैसे देखो इसके लिए फिगर तुमको समझना पड़ेगा, समझो फिगर बना रहे हैं सब, फिगर इतना लफड़ा है ना ये देखो हम लोग क्या किए, ये डिस्क है, एक तो काम ये कर सकते थे कि हम लोग यहाँ होल कर सकते थे इन दोनों साइड में ठीक है, एक तो ये जुगाड़ था ठीक। दूसरा क्या बात बोले कि हम अगर होल नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, एक यहाँ पे एक छोटा सा सॉफ्ट आयरन पीस लगा दीजिए है ना, ये सॉफ्ट आयरन पीस लगाने से क्या होगा ना कि देखो जैसे यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक मैग्नेट लगा हुआ है ठीक, अब तुम कोई चीज रोटेट कर रहा है और यहाँ पे बीच में एक मैग्नेट लगा हुआ है तो ये आयरन पीस लगाने से अब क्या होगा ना, ये आयरन पीस बार बार इस मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, देखो तुम्हारा ऐसे ऐसे रोटेशन चल रहा है समझे, तो इस रोटेशन की वजह से तुम्हारा यहाँ पे हम मैग्नेट लगा दिया, मान लेते हैं हम यहाँ पे मैग्नेट है, ये पूरा डिस्क है, ये रोटेट होगा ना तो जैसे मैग्नेट ये जो आयरन पीस इस मैग्नेट के पास पहुंचेगा तो इससे अट्रैक्ट होगा और उसका स्पीड क्या होगा स्लो हो जाएगा समझे, तो आयरन पीस इस मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा और तुम्हारा क्या होगा वो स्लो हो जाएगा, ये भी एक तरीका है क्रीपिंग को रोकने का ठीक है। तो यही चीज हम लोग क्या किए हैं, एक टाइनी पीस ऑफ ठीक एक टाइनी पीस ऑफ आयरन लगा दिए यहाँ पे ठीक है, ये आयरन कहाँ लगा है यहाँ पे लगा हुआ है ठीक है ना, ये बहुत सिंपल जुगाड़ है, आयरन लगा दिए हैं चुंबक है, आप चुंबक के पास आयरन आएगा तो अट्रैक्ट करेगा तो थोड़ा सा रुकेगा फिर बढ़ जाएगा फिर रुकेगा फिर बढ़ जाएगा धीरे धीरे वो रुक जाएगा समझ गए। ये दो तरीका था क्रीपिंग को रोकने का है ना, एक तो आप होल करके खींच लिया, दूसरा आप यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल लगा दिए ठीक है। देखो ये सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है समझे, और हमको नहीं लगता है कि हो सकता है क्रीपिंग के बारे में तुमको बोल दे लिखने के लिए ठीक, तो क्रिपिंग के बारे में बोलेगा तो तुमको इतना लिखो जितना लिखवाए हैं उतना सारा चीज लिख देना है, ये फिगर बना के एक्सप्लेन कर देना है समझ गए ना जी सर। तो शॉर्ट नोट्स में तुमको पूछ सकता है क्रिपिंग क्या है ठीक, क्रिपिंग एरर होता क्या है ठीक है। अब ये इतना हो गया तो अगला देखा जाए, एरर ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, देखो हर जगह जहां भी हम लोग एरर पड़े हैं ना हर जगह टेम्परेचर का चेंज होने की वजह से कुछ ना कुछ एरर आता ही है, देखो टेम्परेचर चेंज होता है तो बहुत सारी चीजों को रेसिस्टेंस है, सिंपल सी बात समझो है ना, तो रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है वो सबको इतर बितर कर देता है, रेसिस्टेंस का वैल्यू जो है वो तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है समझ गए, तुम्हारा जो भी नॉर्मल जो होता है रेसिस्टेंस नॉर्मल रेसिस्टेंस हम लोग कहते हैं ना उसकी बात कर रहे हैं ठीक है, उसमें तो तुम्हारा क्या सेमी कंडक्टर वाला नहीं बात कर रहे हैं ठीक, तो इसमें तुम्हारा क्या टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है रेसिस्टेंस बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली करंट वगैरह को घटा देगा, करंट के वैल्यू को घटा देगा तो फ्लक्स तुम्हारा घट जाएगा, फ्लक्स घटेगा तो तुम्हारा अल्टीमेटली क्या होगा टॉर्क जो क्रिएट हो रहा है वो भी तुम्हारा घटेगा है कि नहीं, तो ये सब रीजन है, तो टेम्परेचर जो चेंज जो है वो हमेशा जो है हमेशा रहता है समझे, तुम ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट में देखोगे ना तो हर इंस्ट्रूमेंट में एक एरर टेम्परेचर चेंज की वजह से रहेगा ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे ला ही दिए हैं समझे। लेकिन इस केस में जो है ना जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन होता है ना वो बहुत ज्यादा नहीं रहता समझे, मतलब ऐसा टेम्परेचर का वेरिएशन होता है जैसे प्रेशर कॉइल है करंट कॉइल में, एक में बढ़ता है तो एक में घटता है, अल्टीमेटली वो न्यूट्रलाइज कर देता है एक दूसरे को, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है ये ठीक, तो फिर भी इसके कंपनसेशन के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ किया जाता है ठीक है, फिर भी क्या किया जाता है इसके कंपनसेशन के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ किया जाता है, हम लोग उसको नहीं देखेंगे ठीक, लेकिन टेम्परेचर की वजह से थोड़ा सा एरर आता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, कोई इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला जो एरर है वो है तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट है, एरर ड्यू टू वोल्टेज वेरिएशन समझ गए, वोल्टेज तुम्हारा वेरी करेगा तो उसके वजह से भी एरर आएगा ठीक है, अब उसके वजह से क्या एरर आएगा वो देख लो, सर ये एरर का टाइप बता रहे हैं क्या सर,
हाँ तुम्हारा आज का टॉपिक ही है, देखो एरर कट है, देखो इसमें तुम्हारा टॉपिक ही है एरर्स इन इंडक्शन टाइप, लेट से आया हो लगता है, एरर्स इन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, समझे? एनर्जी मीटर में क्या क्या एरर होते हैं वही हम लोग को पढ़ना है, समझ गए? वही हम लोग आज देख रहे हैं, आज यही टॉपिक है, और कल जो होगा जो तुम्हारा वो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा एनर्जी मीटर में, उसके बाद एनर्जी मीटर फिर फिनिश हो जाएगा, ठीक है? अच्छा तुम लोग ये बताओ, तुम लोग जितने लोग हो इसमें से अभी कौन कौन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स किसका है इसमें से? सूरज इलेक्ट्रिकल, जी सर, इलेक्ट्रिकल है मेरा। एके रॉय इलेक्ट्रिकल, प्रिंस यस सर। इलेक्ट्रिकल ही है, राजीव तुम्हारा भी यस सर। कहा सब, साक्षी तुम्हारा इलेक्ट्रिकल ये नहीं है, अवेलेबल लगता है, अवेलेबल हो तुम्हारा भी इलेक्ट्रिकल है ना, ठीक है? अगर मान लो कि ठीक है, हम एक दो लड़का पे मिल है, बाकी तो कहीं हो ये है नहीं हो, और सूरज सूरज अब तो मैं कर ऑलमोस्ट लोगे, सर आवाज नहीं आ रहा बाकी तो पढ़ना है उसके लिए, है, आवाज क्लियर नहीं है सर। अच्छा तो देखो वोल्टेज वेरिएशन में क्या है कि देखो वोल्टेज वेरिएशन तो हो हर हर इंस्ट्रूमेंट में, हर जगह वोल्टेज वेरिएशन होता है, अब वोल्टेज वेरिएशन की वजह से एरर कैसे हो सकता है वो समझना है। तो देखो पहला चीज क्या है, देखो इसके दो रीजन से हो सकता है, पहला रीजन क्या है, अगर जब बहुत ज्यादा वोल्टेज हुआ, समझे, बहुत ज्यादा वोल्टेज हुआ तो इसके वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक मटेरियल कोई भी होता है ना, देखो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जब होता है, समझे, तो मैग्नेटिक मटेरियल में करंट, एक देखो एक होता है करंट, समझे, तुम यहाँ पे मान लो करंट जो दे रहे हो, तो इसके वजह से तुम्हारा फ्लक्स क्रिएट होता है, समझे? तो इस करंट और वोल्ट, ये जो फ्लक्स का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो शुरुआत में लीनियर होता है, मतलब कम करंट के वैल्यू के लिए लीनियर चलता है, लेकिन अगर इसी करंट का बहुत ज्यादा वैल्यू पे चले जाओगे तो तुम करंट बढ़ाते रहो लेकिन फ्लक्स बढ़ेगा नहीं, ऐसा सिचुएशन आता है, समझे? तो ये जो फ्लक्स, तुम करंट बढ़ाते रहे और फ्लक्स बढ़ नहीं रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, सेचुरेशन, समझे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेचुरेशन कहते हैं, ठीक। अब सवाल ये है कि सेचुरेशन होगा कब, जब करंट का वैल्यू तुम्हारा बहुत ज्यादा, तो तुम देखो वोल्टेज जब तुम बढ़ाओगे सर्किट में, जब तुम वोल्टेज बढ़ाओगे तो उसके वजह से तुम्हारा क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा मोमेंटरली, मान लो तुम्हारा एक्सेसिव करंट हो गया, ठीक, तो अब उस वोल्टेज के वजह से तुम्हारा क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा। अब करंट जब बढ़ा, अब इतना ज्यादा वैल्यू नहीं होना चाहिए ताकि तुम्हारा जो है वो नॉन लिनियर रीजन में चला जाए, है ना? तो जब नॉन लीनियर रीजन या सेचुरेशन रीजन में चला जाए, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे यही बोला है कि देखो द अनसर्टेन नो लॉन्गर रिमेन लीनियर, देखो समझे, अगर वोल्टेज अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया, समझे, तो तुम्हारा जो रिलेशनशिप है ना वो लीनियर नहीं रहेगा, लीनियर नहीं होगा कि किसकी वजह से, आयरन पार्ट के सेचुरेशन की वजह से, आयरन पार्ट में सेचुरेशन होता है, इसका बहुत डिटेल तुम लोग मशीन में बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हो, है ना? तो हमेशा ध्यान में रखना है कि आप करंट दीजिएगा, फ्लक्स बढ़ता है लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक, है ना, बहुत ज्यादा हायर वैल्यू के लिए करंट का वैल्यू आप मतलब नहीं बढ़ा सकते, ठीक है? उसके बाद से क्या होगा, फ्लक्स आपका बढ़वे नहीं करेगा, आप करंट दिए जा रहे हैं लेकिन फ्लक्स नहीं बढ़ रहा है, तो आपका मशीन एरर देगा ही, है कि नहीं? इसीलिए पहला रीजन तो एक ये हो गया। दूसरा रीजन क्या है, वोल्टेज अगर बढ़ने से, और दूसरा रीजन क्या होता है, देखो सडनली तुम्हारा फ्लक्चुएशन अगर हुआ, एक तो तुम्हारा था टू हाई वोल्टेज, यहाँ पे सडनली फ्लक्चुएशन हो रहा है, देखो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो रहा है यहाँ पे, अब इस फ्लक्चुएशन का क्या मतलब, बढ़ा मतलब आया मतलब चेंज हो रहा है, ठीक है? फ्लक्चुएशन का मतलब तुम लोग जानते हो, इससे क्या होगा, जैसे देखो चेंज जैसे ही होगा ना, फ्लक्चुएशन जैसे ही होगा ना, अब इसके वजह से क्या होगा, एक डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, मतलब एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा अलग से, समझे, एक एक्स्ट्रा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक, वो क्या करेगा डिस्क में, वो क्या करेगा कि सेल्फ ब्रेकिंग टॉर्क क्रिएट करेगा, समझे, और
उसके रोटेशन को हैम्पर करेगा, समझ गए? मतलब तुम्हारा एरर अल्टीमेटली कैसे ला रहा है, मतलब उस वोल्टेज के फ्लक्चुएशन की वजह से एक अलग तुम्हारा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, है ना, और उसके वजह से तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा फिर से होगा तुम्हारा टॉर्क अलग मोशन को सीधा सीधी ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। ये तुम्हारा वोल्टेज वेरिएशन की वजह से था, है ना। अब वोल्टेज वेरिएशन की वजह से जो एरर था उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है, देखो इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, वो ऐसा है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग मैग्नेटिक शंट प्रोवाइड करते हैं। देखो मैग्नेटिक शंट, मैग्नेटिक शंट क्या होता है, सीधा सीधी बात समझो, मैग्नेटिक शंट जो उसको बोलते, मैग्नेटिक शंट हम लोग उसको बोलते हैं, मान लो कि मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ ऐसे है, ठीक है, शुरुआत में फ्लक्स का पाथ ऐसा था, तुम क्या किए, तुम यहाँ पे भी कुछ आयरन पीस डाल दिए, तो ये फ्लक्स का कुछ पोर्शन इधर से भी होके गुजरेगा, है ना, तो ये क्या कहलाए, एक तरीके से शंट हो गया, है ना। शंट का मतलब क्या हुआ कि मेन जो रास्ता है उसको आप दूसरा रास्ता दे दिए, तो उसको हम लोग शंट कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे भी वही चीज करते हैं, एक मैग्नेटिक शंट प्रोवाइड करते हैं, तो वो शंट किस तरह से होता है, वो शंट जो होता है बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, इसका जो है रिलक्टेंस पाथ बढ़ा देते हैं, कैसे, यहाँ पे आयरन होल करके, ये जो तुम्हारा इस तरह का जो स्ट्रक्चर रहता है ना, इसमें क्या करते हैं, आयरन का होल कर देते हैं, इस होल करने की वजह से तुम्हारा क्या होता है, इसका रिलक्टेंस चेंज हो जाता है, रिलक्टेंस एक्चुअली इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो इससे अब क्या हुआ कि इसको हम लोग रिलक्टेंस को इंक्रीज कर दिए बाई प्रोवाइडिंग होल्स, समझ गए, होल्स को प्रोवाइड करके हम लोग रिलक्टेंस इंक्रीज कर दिए, ठीक है। अब इससे इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा क्या होगा ना, ड्राइविंग टॉर्क बढ़ जाएगा और सेल्फ ब्रेकिंग टॉर्क जो है वो घटेगा, समझे। इसको करने से क्या होगा कि तुम्हारा ड्राइविंग टॉर्क जो है, देखो बात ये है कि तुम्हारा जो है इधर से फ्लक्स निकल के ना इधर जाएगा, पहले जो है फ्लक्स का ज्यादा पोर्शन हम बताए थे इधर से होके गुजरता है, है ना। अब तुम क्या करोगे कि इधर से जो फ्लक्स जो है, इस फ्लक्स को तुम क्या किए, इधर का रिलक्टेंस बढ़ा दिए, पहले मान लो 3 लाइन इधर से जा रहा था, ठीक है, तो इसका जब रिलक्टेंस तुम बढ़ा दोगे ना, तो ये फ्लक्स इधर से ना जाके क्या करेगा, इधर से होके जाएगा, समझे। तुम इधर का रेसिस्टेंस बढ़ा दोगे तो कुछ फ्लक्स इधर से फ्लक्स ज्यादा जाएगा, इधर से कम जाएगा, है ना। तो जब इधर से ज्यादा गया, ज्यादा फ्लक्स मिला, तो ज्यादा टॉर्क क्रिएट हुआ, तो ज्यादा टॉर्क क्रिएट हुआ तो क्या होगा, तुम्हारा रोटेशन ज्यादा हो जाएगा, तो तुम्हारा जो सेल्फ ब्रेकिंग टॉर्क था उसको वो हटा देगा, समझ गए कैसे काम कर रहा है, काम कैसे कर रहा है जी। तुम होल बना दिए ना, तो उसका रिलक्टेंस बढ़ गया, रिलक्टेंस बढ़ गया तो इधर फ्लक्स कम जाएगा, इधर फ्लक्स कम जाएगा तो इधर ज्यादा जाएगा, इधर ज्यादा गया तो इधर ज्यादा तुम्हारा टॉर्क क्रिएट होगा, टॉर्क क्रिएट होगा तो सेल्फ ब्रेकिंग जो हो जा रहा था वो तुम्हारा अवॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो ओवर वोल्टेज की वजह से तुम्हारा ये जो प्रॉब्लम है ये ऐसे अवॉइड कर दिया हम लोग, है ना। तो इस तरह से इसको हम लोग अवॉइड कर दिए, ठीक, ये हो गया, ठीक है। आई थिंक बहुत हो गया, इसे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है, इतना ही रहने दो, ठीक है। तो देखो आज क्या क्या बता दिए तुम लोगों को, इसमें से जो देखो एरर क्या क्या होते हैं हम लोग ये पढ़े आज, है ना। एरर में क्या क्या पढ़े, फेज एंगल एरर में हम लोग क्या पढ़े, ये जो एंगल 90 डिग्री नहीं रहता था उसकी वजह से एरर होता था, उसको जुगाड़ करने के लिए क्या किया, दो तरीका है उसको जुगाड़ करने का, एक तो आप शेडिंग क्वाइल यूज कीजिए, है ना, पूरा सर्किट इसको ऐसे देख लेना है, शेडिंग क्वाइल आप एक तो आप शेडिंग क्वाइल देख सकते हैं, शेडिंग क्वाइल क्या करते हैं, शेडिंग क्वाइल जो होता है एडजस्टेबल रेसिस्टेंस के साथ होता है, ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके इससे क्या होता है कि ये जो फ्लक्स है जो इस फेजर से क्लियर हो जा रहा है, इसका इसमें क्या होगा, इसमें अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इसकी वजह से एक करंट इसमें फ्लो होगा, वो करंट एक फ्लक्स क्रिएट करेगा जो ओरिजिनल फ्लक्स के साथ ऐड होकर एक नया फ्लक्स बनाएगा जो 90 डिग्री पे आ जाएगा। अब 90 डिग्री पे आ गया तो एरर तुम्हारा हो जाएगा वो दूर, ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा कॉपर शेडिंग बार भी कर सकते हो, जो काम इसमें जो रेसिस्टेंस को हम लोग एडजस्ट करके करंट को कंट्रोल कर रहे थे, वही हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कॉपर बार को ऊपर नीचे करके कर सकते हैं। ऊपर करेंगे तो इससे ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा, ज्यादा ईएमएफ क्रिएट होगा, ज्यादा करंट होगा, ज्यादा फ्लक्स इसका होगा, है ना, और इसको नीचे करके वैसे ही उसका जस्ट अपोजिट होगा। ये हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। इसके बाद से हम क्या बताएंगे, फ्रिक्शन की वजह से भी एरर होता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन के वजह से जो एरर होता है उसको करने के लिए क्या होता है कि हम लोग एडिशनल टॉर्क प्रोवाइड करना पड़ता है। उसको एडिशनल टॉर्क को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वेन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं फ्रिक्शन के कंपनसेशन के लिए, यहाँ पे एक वेन प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये वेन क्या करता है, अल्टीमेटली इसका कुछ पोर्शन मतलब
मतलब ये जो क्या करता है अल्टीमेटली टॉर्क को थोड़ा बढ़ा देता है और वो रोटेशन क्रिएट हो जाता है। ठीक, तो अब फ्रिक्शन के लिए जो आप कॉम्पनसेशन किए है ना, वो लोड के लोड करंट से डिपेंडेंट है, आपका लोड रहे चाहे नहीं रहे वो क्या करेगा, आपको कॉम्पनसेशन देगा, यानी कि उसको एडिशनल टॉर्क देगा। अब इस एडिशनल टॉर्क की वजह से क्या होता है, क्रिपिंग एरर, नया एरर आ जाता है, वो होता है क्रिपिंग एरर। क्रिपिंग एरर में क्या होता है, जो डिस्क है वो स्लोली रोटेट करते रहता है, ठीक है, नो लोड पे, या फिर मतलब एकदम से लोड है ही नहीं तब जाके, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा करंट कॉइल एनर्जाइज नहीं है, प्रेशर कॉइल एनर्जाइज है, फिर भी तुम्हारा ये रोटेट कर रहा है, तो तुम्हारा लोड करंट जीरो है, फिर भी ये तुम्हारा रोटेट कर रहा है, तो तुम्हारा मीटर का एनर्जी ऐसे ही बढ़ता जाएगा बिल, है ना। तो इसको, इसका एक प्राइम रीजन क्या हो गया, प्राइम रीजन तुम्हारा होगा ओवर फ्रिक्शन कंपनसेशन, है ना, जो फ्रिक्शन के लिए जो कंपनसेशन किए वो थोड़ा ज्यादा कर दिए, ठीक, एक तो ये रीजन हो गया। इसके अलावा वाइब्रेशन है, एक्सेसिव वोल्टेज भी देंगे तब भी जाके वो तुम्हारा तुमको वो रोटेट करा सकता है। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, ये भी तुम्हारा क्या कर सकता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, अगर स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑब्वियसली स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड है, तो हो सकता है टॉर्क को बढ़ा घटा के वो तुम बढ़ा दे वो रोटेट करने लगे, ठीक है। तो ये सारा रीजन पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये मेन रीजन है, ठीक है, ओवर फ्रिक्शन कंपनसेशन जो होता है वो मेन रीजन होता है, ठीक है। अब इस क्रिपिंग को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, हम लोग रोटेट कर देंगे, उससे एयर का पाथ को वेरी कर जाएगा, वो क्या करेगा अल्टीमेटली उसको स्लो करने की कोशिश करेगा। एक तो ये हो गया, दूसरा आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक आयरन वेन लगा दीजिए। आयरन वेन लगाने से क्या होगा कि जो मैग्नेट के पास जैसे ही वो आयरन वेन जाएगा, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा और स्पीड को थोड़ा स्लो कर देगा, फिर अगला साइकिल में फिर आएगा, फिर और स्पीड स्लो करेगा, फिर अगला साइकिल में फिर इसके पास आएगा, फिर इसके अट्रैक्ट करेगा और स्लो हो जाएगा, ऐसे धीरे धीरे क्या होगा वो रुक जाएगा, है ना। तो क्रिपिंग एरर को अवॉइड करने का एक ये तरीका है, ये बता दिए। टेम्परेचर चेंज की वजह से भी एरर आता है, लेकिन वो टेम्परेचर बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब वो क्या होता है कि एक दूसरे को कैंसिल कर लेता है, अलग अलग कॉइल है ना, वो सब क्या करता है, एक दूसरे को कैंसिल कर लेता है, तो वो खत्म। इसके बाद से वोल्टेज वेरिएशन की वजह से एरर हो सकता है। वोल्टेज वेरिएशन का एरर जो होता है उसके वजह से क्या होता है, दो तरीके का एरर हो सकता है। पहला हो सकता है कि वोल्टेज अगर बहुत ज्यादा हो तो तुम्हारा जो बताया यहाँ पे कि सैचुरेशन रीजन में चल जाएगा आयरन, है ना, आयरन जब सैचुरेट हो जाएगा तो तुम करंट कितना बढ़ाते रहो तुम्हारा क्या होगा, मतलब तुम्हारा फ्लक्स उतना चेंज नहीं हुआ, तो उसके वजह से एरर आएगा। दूसरा है तुम्हारा कि वोल्टेज अगर सडन फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक, उसके वजह से क्या होगा कि सेल्फ ब्रेकिंग टॉर्क हो जाएगा। जो सेल्फ ब्रेकिंग टॉर्क होगा उसके बताने के लिए क्या जुगाड़ किए हम लोग, यहाँ पे ब्रेकिंग मतलब यहाँ पे दो को होल कर दिए, तो दो को होल करने से क्या होगा, इधर फ्लक्स कम जाएगा, इधर फ्लक्स ज्यादा जाएगा, ये जब ज्यादा जाएगा तो ज्यादा टॉर्क क्रिएट होगा, तो वो ब्रेकिंग का प्रॉब्लम दूर कर देगा, ठीक है। इतना सारा हम चीज अभी बताए हैं, ठीक है, तुम लोग इसको पढ़ना समझना, दिक्कत होगा तो फिर पूछना, है ना। ये जो तुम्हारा जो टॉपिक लिखा हुआ सिंगल फेज एनर्जी मीटर हो गया, ठीक, क्रीपिंग एरर हो गया, मतलब एरर्स वगैरह जो है वो हो गया। इसके बाद हम लोग कुछ इसमें न्यूमेरिकल देखेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे एनर्जी मीटर पे, ठीक है ना। तो वो होगा नेक्स्ट क्लास, ठीक, आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू सर।